तक बनना है हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में, थोड़ा स्टाफ बढ़ाया है मैंने, 81 पोस्ट नए सैंक्शन दिए, अब माइनॉरिटी से पॉलिसी पे दूसरे चीजों पे, अब काफी जायदाद जमीन पे, रामचंद्र रेड्डी साहब भी बोले, सो भी बोले, हर मेंबर बोले, जीवन रेड्डी साहब भी बोले, करीमनगर का एक मिसाल भी दिए, जरूरी है ये हमारे बुजुर्गों का, हमारे पुराने जागीरदार मक्तदारों का इनायत है कि उन्होंने जो हमारे को फराम किया, जो जमीन दिया, वक्फ कर दिया, बहुत ही अच्छा जायदाद हमारे पास है, जो गया गया। हुसैनी शाहवली का आप जिक्र करें, उस पर मैं भी लड़ा, हम लोग भी लड़े, कोर्ट में गए। मैं आपको वायदा करता हूं तहे दिल से, जो जमीन अलाट किया गया, जो आईटी कंपनी हो, जो भी कंपनी हो, जो खाली जमीन है 100% उसे अवकाफ वक्त बोर्ड के हैंडओवर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैं कमिटी डालूंगा जल्द से जल्द हमारे मुसलमान एमएलए और जो मुस्लिम दोस्त एमएलए से उनके जरिए एक हाउस कमिटी डाल लेते हैं, बिल्कुल उसका छानबीन करके खाली जितना भी जमीन है हुसैनी शाहवली दरगाह का 100% वक्फ बोर्ड के हैंडओवर करेंगे। और आप बड़ा फेरिस्त पड़े, नलगोंडा में क्या है, फलाना जगह क्या है, फलाना जगह क्या है, हैदराबाद सिटी शहर के अतराफ में क्या है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, वो फेरिस्त मुझे भेज दीजिए। 100% अगर वो जमीन खाली है या इंक्रोच्ड है तो उसको बिल्कुल वापस लिया जाएगा, महफूज भी किया जाएगा। और एक बात भी मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, अगले जो हमारे बजट सेशन चलेगा, एक कानून, एक बिल लाएंगे हमारे वक्फ बोर्ड को जुडिशियल दर्जा, ताकि वो खुद एक्शन ले सके, मजिस्ट्रियल पावर्स उनको देने का भी मैं आपको वायदा करता हूं। रामचंद्र साहब भी डिमांड करें उसका, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर इवालन्नारु, तपकुंडा इद्दाम, ई सभल ने मनम कानून पास चेद्दाम। एडवोकेट जनरल साहब मैं बोलता हूं, आप खुद बैठ के वो कानून बनवाइए, आप लोग बैठ के उसको हम अमलावरी करेंगे। दूसरा, आपने अनीसुल गुरबा के लिए, उनके लिए जितना भी करे कम है। मैंने ऐलान किया इसी हैवान में, असेंबली में, के जो ऑर्फन्स होते हैं उनके मां बाप सरकार खुद बनना चाहिए, वो जिम्मेदारी सरकार को लेना ही चाहिए, कोई और आदमी ले नहीं सकता। इसीलिए अनीसुल गुरबा के लिए जो आपने बिल्डिंग का नमूना बनाया, मुझे भी बहुत पसंद आया, वो बेहतरीन है और सेल्फ फाइनेंस शक्ल में है, वो दुकान वगैरह कमर्शियल करे तो अपने आप में चल पड़ेगा, वो किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 21 करोड़ का लागत से उसको बनाना है, वो 21 करोड़ मंजूर करता हूं, कल शाम के अंदर अंदर मैं आपको जीवो भिजाता हूं उसका काम, मैं खुद चल के, एक अच्छा काम है, सवाब का काम है, संगे बुनियाद भी जल्द से जल्द उसका रखेंगे, इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द मुकम्मल भी करेंगे। इस्लामिक सेंटर ये जरूरी है हैदराबाद के लिए, बहुत जरूरी है, दिल्ली में केंद्र सरकार ने बनाया है, मैं आते जाते हुए देखते रहता हूं, बहुत जबरदस्त सेंटर है दिल्ली में। इस्लाम क्या चीज है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दुनिया को बताते हैं वो लोग। लेकिन गुजारिश आपसे यह है, कोई आलमगीर जमाने की मजादित की जगह पे बनाने की बात आप कर रहे थे, 1.5 एकड़ वाला भी बात कर रहे थे आप, 1.5 एकड़ जमीन काफी हो सकता नहीं हो सकता मुझे नहीं मालूम, आप भी बखूब जानते हैं कि हैदराबाद में हमारे पास एक ही कन्वेंशन सेंटर है, उसमें सरकार भी हिस्सेदार है, लेकिन कभी कभी हमारे कार्यक्रमों के लिए भी, हमारे प्रोग्राम के लिए भी वो नहीं मिलता, 3-3 महीने 4-4 महीने बुक उड़ रहते हो। आप जो प्रपोजल लाए इस्लामिक सेंटर का, और इसी के अंदर ही अंदर एक फर्स्ट क्लास कन्वेंशन सेंटर भी बनाने की आपने जो बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं, ये अच्छी बात है हमारे हैदराबाद की शान के लिए, हमारे शहर के लिए, इट इज एडिंग ए नाइस थिंग टू हैदराबाद, हमारे शान बढ़ेगी, हमारे शहर की इंटरनेशनली खदर बढ़ेगी। और एक दूसरा कन्वेंशन सेंटर भी हमारे को मिलेगा, लोगों को भी मिलेगा, आम लोगों को भी, जो भी आए, चाहे कॉन्फ्रेंस जो करना चाहे कर सकते, उसमें फंक्शन करना चाहे कर सकते। अगर जो मस्जिद, जो जिस मस्जिद की आपने बात की आलमगीर जमाने की, वो मस्जिद वहां 1.5 एकड़ बता रहे, तो पार्किंग वार्किंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में होना चाहिए, अगर वहां हो सकता है ठीक है, हो सके तो मैं भी आपके साथ चल के देखता हूं, अफसरों को लेकर चलते हैं, उसके अतराफ में अगर 4-5 एकड़ सरकारी जमीन है तो वो भी ले लेते हैं, अदरवाइज दूसरा कोई अच्छा जगह ढूंढते हैं उसी एरिया में, हाईटेक सिटी के आसपास में सरकारी जमीन है, 8-10-12 एकड़ में अगर आप बनाए तो फर्स्ट क्लास पार्किंग और अच्छा एकदम बेहतरीन सेंटर, जो एकदम खायम रहेगा, कईयों साल चलता रहेगा, और हैदराबाद दक्कन में, हमारे दक्कन में पहला बहुत ही अच्छा इस्लामिक सेंटर होगा, उसके लिए जितना भी रकम चाहिए मैं सैंक्शन करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इट्स ए गुड एडिशन, सेंटर भी बने और एक अच्छा
अनदर एडिशन, अनदर कन्वेंशन सेंटर, बहुत कंपटीशन है, लोग तरस रहे हैं उसमें, है तो बहुत अच्छी बात है, चल के देखेंगे, अगर अगर है तो वहीं बना लेते हैं, आजू बाजू में कुछ जमीन है खरीद भी लेते हैं, एक आध एकड़ खरीदना भी पड़े तो खरीद भी लेते हैं, बना देते हैं, मैं आपको वायदा करता हूं उसको मुकम्मल करेंगे हम लोग, अगले इलेक्शन से पहले ही उसका इफ्तिताह भी करेंगे, उतना जोर से काम करेंगे। दूसरा, उर्दू टीचर वैकेंसीज के बारे में आपने एक कानूनी चीज बताया, थ्री टाइम्स अगर नोटिफाई करे और उसके बाद उसको रिलैक्स कर सकते हैं, आप जैसा बताया बिल्कुल उसी तरीके से अभी से करेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, उर्दू मीडियम के जो इंस्टीट्यूशन है, वो जूनियर कॉलेज भी हो, टीचर स्कूल भी हो, प्राइमरी स्कूल भी, हाई स्कूल भी हो, उर्दू डीएससी बुलाएंगे हम लोग, एक बार दो बार तीन बार बुला ला के कानून के मुताबिक, अगर वो उसको कर सकते हैं उस तरीके से तो बिल्कुल करने के लिए मैं तैयार हूं, वो आपसे एजुकेशन मिनिस्टर साहब बात भी कर लेंगे। नीट एग्जाम शुड बी कंडक्टेड इन उर्दू, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बिल्कुल इससे मैं सहमत हूं, हर भाषा में दिया जा रहा है, जब मौका तो उर्दू में क्यों ना दिया जाए, जो 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 इंसान जो स्टूडेंट उर्दू में लिखना चाहते हैं उनको देना चाहिए, यह मैं बिल्कुल कल ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मैं लेटर लिखता हूं, और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जो मरकज में बैठे हुए नकवी साहब, उनसे मैं बात भी करता हूं, डेफिनेटली आई विल टेक इट अप विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें सबसे बड़ी बात हम सबके सामने यह है कि 12% रिजर्वेशन हासिल करने का सभी लोग भी डिमांड कर रहे थे, और आप कह रहे थे अकबर साहब के 12% को हासिल करने में क्या हमारे 4% घूमना हो जाए, मैं बिल्कुल इस 50% के अंदर हमारे 4% है, कभी भी वो धोखे में नहीं होंगे, जो कि दैट इज अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आल्सो, तो उसमें हमको कोई इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मजहब के नाम पर रिजर्वेशन हम नहीं देने जा रहे, ये मजहब के नाम पे नहीं है, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस पे रिजर्वेशन है, मजहब के नाम पे नहीं, मजहब के नाम पे दिए तो कोर्ट काटेगा, हम जानते हैं वो लोग, तो इसीलिए मजहब के नाम पे नहीं, लेकिन बैकवर्डनेस इन दिस कम्युनिटी, जो भी उनका इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, सोशल बैकवर्डनेस है, उन्हीं चीजों पे उसी को क्राइटेरिया बनाते हुए ये दिया जाएगा। 4% इस अंदाजे में दिया गया, ये 12% भी उसी अंदाजे में दिया जाएगा। एक बार फिर एक बार सभ्युंद चुप्त दयचे दीनों मन अन अखर लेंवे नागरू संवर पास ऐक्ट नईन्त षेड्यूल चेर्पच्चार अदे कावाल मैं अड़ता हमारे हईवान के जरिए थ्रू यू सर ई अश्यूर आल मई मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ तेलंगाना दैट सर तेलंगाना गवर्नमेंट इज कीन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ तेलंगाना 100% मायूसी छोड़ दो आपके साथ तेलंगाना सरकार है बिल्कुल आप तरक्की होना चाहिए खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूते बता तेरी रजा क्या है तो इस हिसाब से बिल्कुल अपने आप में हिम्मत रखिए मायूसी छोड़ दीजिए और आगे बढ़ के एक सुनहरा तेलंगाना बनाने में आप भी भागीदार हिस्सेदार बनिए बिल्कुल सरकार आपके साथ रहेगी।